नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है हमारे बिहार का। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने दो राज्यों के एग्जिट पोल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नतीजों का इंतजार कीजिए, नतीजे अलग भी होते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल में विपक्ष को बढ़त मिलता दिखाया गया है। एग्जिट पोल आया है तो आने वाला समय रिजल्ट बताएगा। बहुत ऐसा होता है कि एग्जिट पोल कुछ होता है, रिजल्ट कुछ आता है। थोड़ा रुक जाइए, आ जाएगा नतीजा। उत्साहित होने की जरूरत, कांग्रेस उत्साहित, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के नेता के पास कोई विजन है आप बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का शोषण की है, धन कुबेर इकट्ठा। जेडीएमएलसी गुलाम गौस ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसी परिस्थिति दिख रही है हो सकता है कि बदलाव हो। जनता का फैसला लोगों को स्वीकार होगा। मर्जी है, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि मैं एग्जिट पोल के इस पर जो है विश्वास नहीं करता। पहले कुछ लोग थे जो बड़ी ईमानदारी तरीके से मतलब ये काम को करते थे। उसमें बहुत सारा पैमाना है, गांव के लोगों से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, पढ़े लिखे लोगों से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ये क्या बोलते हैं, विभिन्न मतलब ये है, उसका पैमाना है उसका।